गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, जैसा कि हम तमाम लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले आर्या एक वेब सीरीज आई थी जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और उसके संदर्भ में काफ़ी पहल की थी साथियों ने और लीगल नोटिस भी अलग अलग स्टेट से अलग अलग एसोसिएशंस ने भिजवाए थे। अब उसमें क्योंकि बाकियों का क्या रिप्लाई आया नहीं आया, खैर वो तो वो बता पाएंगे। HCAP की तरफ से भी हम लोगों ने एक लीगल नोटिस भिजवाया था उनको और उसका रिप्लाई आ चुका है। रिप्लाई तो बेसिकली 17 तारीख को ही आ चुका था, 17 जुलाई को, लेकिन उसको डिस्क्लोज करने में थोड़ा आप लोगों के साथ इसलिए टाइम लग गया क्योंकि इसी बीच हमारा जो हरियाणा स्टेट में फिजियोथेरेपी काउंसिल को लेके काफ़ी सारी नई चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि काउंसिल को हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर देना चाह रहे हैं और वो अभी पूरी तरीके से है नहीं। तो चलिए, वो तो एक लंबा विषय है। तमाम स्टेट के लोग, हम लोग आराम से कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे उसको करने की। तो रिप्लाई में बेसिकली मोटा माटी ये है, 5 पेज का रिप्लाई है। रिप्लाई में ये है कि उन्होंने एक तो तमाम जो एलिगेशंस हैं, तमाम जो इस तरह की बातें फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा कही गई हैं कि जी इस उनकी स्टेटमेंट से फिजियोथेरेपी को डिफेम किया गया, तो इन्होंने टोटली उसको डिनाई किया है और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ना ही हमने ऐसा कुछ किया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट इसमें रिप्लाई में एक लिख के भी दिया है कि वी विश टू स्टेट दैट आवर क्लाइंट हैज़ द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर द फिजियोथेरेपी प्रोफेशन एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आवर क्लाइंट फर्दर रिस्पेक्ट द टाइम ऑनर्ड वर्क फॉर फिजियोथेरेपिस्ट विच हैज़ सक्सेसफुली हेल्प्ड काउंटलेस पेशेंट्स रिकवर फ्रॉम क्रॉनिक पेन, इंजरीज एंड अदर मेडिकल डिसऑर्डर्स अलाइनमेंट्स। आवर क्लाइंट अक्नॉलेज दैट फिजियोथेरेपी इज अ डिग्री बेस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन वेर इन फिजियोथेरेपिस्ट यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू इम्प्रूव अ रेंज ऑफ कंडीशंस एसोसिएटेड विद डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी सच एज न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर सेट एटसेट्रा। आवर क्लाइंट ड्यूली एडमायर्स द प्रोफेशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड इट्स एवर लास्टिंग इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो बेसिकली इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है हम तमाम लोगों के लिए और ये बताने की कोशिश की है कि ये लोग फिजियोथेरेपी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने जो सीरीज़ में जितनी भी चीज़ें थी उनको एक ही फ्रेम में फिट करते हुए इन्होंने साफ साफ कहा है कि बेसिकली हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ भी कहें, बट ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी और कुछ इस तरीके से आप इसको देखें कि इसको एज ए होल आप कंसिडर करें बेसिकली, कि एक कैसे एक लेडी है, उसके जो ओल्ड एज हस्बैंड है और उसकी लवर के तौर पर वो उसको टॉन्ट कर रही है फिजियोथेरेपिस्ट को, क्योंकि वो उसके हस्बैंड की लवर है बेसिकली। तो इस तरीके से ऐसा दिखाया गया है। दूसरा, इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि टोटली जो हमारी आर्या की स्टोरी है वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, एक वुमेन के स्ट्रगल को लेके है और उसमें कहीं भी वो फिजियोथेरेपिस्ट सेंट्रिक नहीं है बेसिकली, जिसमें आपको ये लगे कि हमने उसका कोई मजाक उड़ाया है या फिजियोथेरेपी को कोई बड़ा ज़्यादा भला बुरा कहा है। और साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने तो ये अपनी रिप्लाई में ये भी लिखा है कि उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट से फिजियोथेरेपी को डिफेमेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ऐसा उनको नहीं लगता कि इससे किसी का भी कोई नुकसान हुआ होगा, पर्सनल किसी का कोई नुकसान या किसी फिजियोथेरेपिस्ट संस्था का या फिजियोथेरेपिस्ट का कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। इसके एवज में उन्होंने एक और पुराना कोई कोर्ट केस है नेटफ्लिक्स के साथ, एडवोकेट्स का था वो केस बेसिकली, उसके जजमेंट की कॉपी भी लगाई है जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की गई है कि नेटफ्लिक्स पे भी कोई सीरीज़ थी जिसमें एडवोकेट्स के बारे में कुछ कहा गया था, तो वहाँ भी कोर्ट ने ये कहते हुए जजमेंट दिया था कि ये एक फिक्शन वर्क है, इट्स अ प्योरली बेस्ड ऑन द फिक्शंस। तो जो स्टोरी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कोई अपना एंगर, कोई अपना डिस्ट्रस शो करने के लिए उन्होंने इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए हैं। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट की वो रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसा उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को डिफेम करें। तो ये उनका बेसिकली मोटा मोटी रिप्लाई है। अब बात आती है कि इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या स्टैंड होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी लोगों ने लीगल नोटिसेज भेजे हैं तमाम लोग बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर आप लोग लीगल नोटिस ही ना भेजते तो शायद ये रिप्लाई ही ना आता। तो अच्छी बात है आप लोगों ने नोटिसेज भेजे, उसका रिप्लाई भी आया, तो सामने वाले को ये एड्रेस भी हुआ होगा कि उसने एक गलत कंटेंट अपनी स्टोरी में डाला, एक गलत डायलॉग डाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर वो इसको अवॉइड करेंगे, इस तरह की कोई चीज़ वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि लोगों की भावनाएं आत हुई हैं। आप एक बात समझिए कि आप जितने लीगल नोटिसेज आप लोगों ने भेजे होंगे तो रिप्लाई उनको भी तो देना पड़ा होगा, तो यानी कि टाइम पैसा दोनों तरफ से वेस्ट होता है। तो जब वो टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ऐसे किसी काम के लिए, तो मैं समझता हूँ कोई भी जेन्युइन बंदा इन चीज़ों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता और वो इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करता है। तो एक तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में वो सारी चीज़ें सही करेंगे, इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे।
अब दूसरी बात आती है क्या कि इस पे आगे जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें नट सेल ओवरऑल, क्योंकि ना तो ये माफ़ीनामा है, ये रिप्लाई जो आया है उनका एक सिंपल सा रिप्लाई है जिसमें उन्होंने डिनाई कर दिया क्लियरली कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो आपको लगता है। तो मुझे लगता है कि इसमें आगे जाया जा सकता है, लेकिन अब बात उठती है क्या HCAP यहाँ आगे जाएगी, क्योंकि जब मैंने लीगल नोटिस भेजा और मैं उसका रिप्लाई आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो मैं अपने फैक्ट को क्लियर कर दूं, अपने स्टैंड को क्लियर कर दूं, तो HCAP इसमें आगे नहीं जाना चाहेगी। उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, HCAP जो है एक ऐसा संगठन है जिसके पास अगर आप बात करेंगे फाइनेंस की, तो वो इतना एक कैपेबल हम उसके लिए फाइनेंशियली नहीं है बेसिकली कि हम इसको एक लंबे कोर्ट केस की लड़ाई को लड़ा जाए। और हम आगे जले भी जाते इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हरियाणा में मौजूदा समय में फिजियोथेरेपी काउंसिल, क्योंकि वो हमारा प्राइम एम है, फिजियोथेरेपी काउंसिल अगर प्रॉपर स्ट्रांग होगी तो वो अच्छे से काम कर सकती है ऐसे मामलों में। क्योंकि जब काउंसिल इस मामले में ऐसे किसी मामले में इन्वॉल्व होगी तो जाहिर सी बात है कि जो लीगल एक्सपेंसेस होंगे वो काउंसिल पे करेगी पर्टिकुलर। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी काउंसिल ही हम डेवलप करें, हमारी डेमोक्रेटिक काउंसिल हो, कि ऐसी काउंसिल के थ्रू इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं, ना सिर्फ एक ये वेब सीरीज, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं उनको काउंसिल के थ्रू डील किया जाए, ताकि जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो भी काउंसिल के थ्रू हो और वो किसी के पर्सनल उस पर उसका लोड ना पड़े। और एट प्रेजेंट जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, क्योंकि देखिए लाइफ में सबकी प्रायोरिटीज सेटअप होती हैं, यहाँ इन्होंने ये अपना रिप्लाई दे ही दिया है, इससे हम कितना सेटिस्फाई हैं कितना नहीं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं आगे कोर्ट केस में भी HCAP इसमें नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि अभी हमारी प्राइम एम है हरियाणा की फिजियोथेरेपी काउंसिल एक डेमोक्रेटिक मोड में हो। और उसके लिए हो सकता है हमें, क्योंकि हमने बातचीत का रास्ता भी शुरू किया हुआ है सरकार के साथ, लेकिन अगर किसी भी स्टेज पर बातचीत से हमारी बात नहीं बनी तो डेमोक्रेसी लाने के लिए काउंसिल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या बढ़ाने के लिए हमारी स्टेट की फिजियोथेरेपी काउंसिल में हम लोग लीगली भी जा सकते हैं। तो जो हमारे फंड्स हैं बेसिकली, जो हम अभी आप लोगों की मदद से कलेक्ट कर रहे हैं फंड्स को, वो फंड हमें बेसिकली इस काउंसिल के मैटर के लिए अभी अपने प्रिजर्व रखने हैं, क्योंकि हमें उसको स्ट्रोंग करना है। अगर वो हमारी स्ट्रोंग हो जाती है तो हम काउंसिल के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इसी बीच महाराष्ट्र में भी, क्योंकि लीगल नोटिस भेजा गया था तो मैंने सर से भी रिक्वेस्ट की थी, सुदीप काले साहब वहाँ प्रेसिडेंट हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप तो काउंसिल के थ्रू इसको कंटिन्यू करें, कि इसको आगे लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ताकि अगली बार वो इस तरह की कोई भी ऐसी हरकत ना करे। खैर देखिए वो काउंसिल का डिसीजन है, काउंसिल लेगी उसको क्या करना है। साथ ही साथ अगर जो भी मेरे और भाइयों ने लीगल नोटिस भेजे हैं वो भी अपनी समझ बूझ के साथ, अपने अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ, इस लड़ाई को कितना आगे लेके जाना है कितना नहीं लेके जाना है वो उस तरीके से डिसाइड करें बतौर राष्ट्रीय संगठन, क्योंकि उनके पास फंड की प्रचुर मात्रा है। तो फिर भी मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि उनको तो एटलीस्ट इस लड़ाई को आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि फंड्स मेन होते हैं किसी भी लीगल बैटल्स के लिए। तो यहाँ HCAP क्योंकि एक स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यूरिडिक्शन तो खैर हमारा भी पूरा नेशनल लेवल का ही है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास फंड्स का इशू है और हमने अपने आप को इतना एक्सपेंड भी अभी आज की डेट में नहीं किया हुआ, तो आज की डेट में हम लोग इस कंसेप्ट को, क्योंकि हमने जो उनको लीगल नोटिस भेजा था उनका रिप्लाई आ चुका है ऑलमोस्ट, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए इसको कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने कहा 50% तो हमें एग्री है ही, क्योंकि वो अपनी चीज़ को एक्सेप्ट कर भी रहे हैं कि आप इसको एज ए होल देखें, फिर उन्होंने अपने डिस्क्लेमर का दावा दी किया है कि हमने डिस्क्लेमर भी दिया हुआ था। तो ऐसी तमाम बातों के मद्देनज़र हम इस फिलहाल आर्या वेब सीरीज़ पे लीगल कोई एक्शन आगे फर्दर HCAP की तरफ से हम इसमें नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैंने बता ही दिया आपको फंडिंग इश्यूज हैं बेसिकली, क्योंकि और दूसरा हमारा एट प्रेजेंट काउंसिल का इशू चल रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी फिलहाल वो प्रेरोगेटिव हमारा सेट है कि हमें एक डेमोक्रेटिक काउंसिल चाहिए। अगर हमें उसके लिए फंड रेज करना पड़ेगा तो हम वो पहला हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर हमारे पास एक मजबूत काउंसिल होगी, हमारे द्वारा चुनी हुई काउंसिल होगी, हमारे ही लोग वहाँ अगर होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ होंगे, तो हम काउंसिल से ऐसे केसेस में रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर कोई ऐसी गलत स्टेप लेता है फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के प्रति, तो हम काउंसिल में बैठे हुए नुमाइंदों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं बतौर एसोसिएशन, और फिर उस सूरत में काउंसिल लीगल एक्शन लेगी ऐसे लोगों पर। और जब काउंसिल लीगल एक्शन लेगी तो फंड्स के इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म्ड बॉडी है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम लोग उम्मीद करता हूँ। अब मैंने यहाँ नैतिकता के आधार पे, क्योंकि रिप्लाई आ चुका था तो बताना जरूरी था, क्योंकि जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसका रिप्लाई भी पब्लिक के बीच शेयर करना चाहिए, तमाम लोगों के साथ साझा करना चाहिए। और यहाँ फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी लीगल नोटिसेज भेजे हैं, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो शायद ये रिप्लाई भी ना आता और उनको ये एहसास भी ना होता,
और उन्होंने अपनी जब स्टेटमेंट लिखी है तो जाहिर सी बात है अब उन्होंने डीपली फिजियोथेरेपी को स्टडी कर लिया होगा, उसको समझ लिया होगा और ये उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। बाकी तमाम जो मेरे साथी लीगल नोटिस भेज चुके हैं वो अपने अपने तरीकों से अपने अपने संगठनों के हिसाब से अपना फैसला लें, अपना अपना सेटिस्फेक्शन सबका लेवल अलग होता है, अपनी अपनी प्रायोरिटी सबकी अलग होती हैं। रखना ज़रूरी था क्योंकि आपके बीच ये मुद्दा हमने पहले भी रखा था इसीलिए इसका रिप्लाई भी रख रहे हैं। जय हिंद जय फिजियोथेरेपी। साथ ही साथ अगर कोई हरियाणा का मेरा साथी सुन रहा हो तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो तैयार रहें, हमें किसी भी टाइम अगर गवर्नमेंट से हमारी बातचीत का रास्ता कामयाब नहीं होता है तो कानूनी रूप से हमें आगे अपनी लड़ाई को बढ़ाना पड़ सकता है क्योंकि हमें एक डेमोक्रेटिक काउंसिल चाहिए। कुछ लोग इस बीच इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी भी कर रहे हैं कि ये किसी का पर्सनल फायदा है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ तीन डिमांड हमने सरकार को रखी हैं, इलेक्टेड मेंबर ज़्यादा होने चाहिए, प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट चुनने का अधिकार फिजियोथेरेपिस्ट को होना चाहिए और तीसरा जो है नॉमिनेटेड को अगर आप बैलेंस में रख के चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यही हमने तीन चीज़ें सरकार के सामने मोटा मोटी रखी हैं क्योंकि जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बी द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, सेम इसी तरीके से हमने सरकार के सामने रखी है कि एक काउंसिल ऐसी हो कि बी द फिजियो बाय द फिजियो फॉर द फिजियो। जय हिंद जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।